और एक पेड़ जो होता है जिसमें इतनी देव शक्तियों का वास होता है, वह स्वर्ग में हम सबके लिए सतत प्रार्थना करता रहता है, इसीलिए जो है उसको तारने वाला कहा जाएगा। ठीक है, तो तरु पुत्र आज हम उसको पुत्रवत जो है अपने गोद में धारण कर रहे हैं, और एक मित्रवत जो हम बड़े हो जाते हैं पेड़ तो उसको मित्रवत भी उसके साथ भाव रख सकते हैं। तो एक तरु का मिलन का संवाद है। आप सब अगर एकाग्र हो करके और नेत्र बंद कर इसको सुनेंगे ना और अपने भाव जोड़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, और निश्चित रूप से आपका पेड़ लगाना जो है आज का आना सार्थक होगा। एक वृक्ष की वेदना और उसके उपकारों के भाव का स्मरण करें। एक वृक्ष की वेदना क्या कहते हैं, एक बार बोला है, एक व्यक्ति जो है पेड़ के नजदीक से निकल रहा था, पीपल के पेड़ के नजदीक पास, तो पीपल पेड़ ने आवाज लगाई, बोले ए मेरे प्यारे मित्र, मुझे रोक लिया था कल पीपल के पेड़ ने और कहा था मित्र मेरी तरफ देख, मैं वही हूं जिसकी टहनियों पर लटक कर तुम इतने बड़े हुए, तुम गिरे थे मेरे तने से, कई बार चढ़े हो कई बार, तुम्हारे नन्हे पैरों की गुदगुदाहट आज भी मुझे याद है, तुम खेला करते थे तपती दोपहरी में गिल्ली डंडा, फिर सोते थे मेरे तन पर, ये जो खोदे हुए नाम तुम देख रहे ना, ये तुम्हारे ही खोदे हुए, मैंने इन नामों को बड़े सहेज के रख, मैं कितना खुश था तुम्हारे साथ। अनायास पीपल का पेड़ कराहा और कहने लगा, यह क्या हो गया तुम्हारे शहर को, क्यों नहीं तोड़ते टहनियों को और पत्तों को, उन पर क्यों नहीं लटकते तुम्हारे बच्चे, सच पूछो तो मेरा मन आज बहुत उदास और तड़पता है। टहनियां उदास रहती हैं नन्हे हाथों और पैरों के कोमल स्पर्श के लिए। भाई कहो ना अपने बच्चों से वो मेरे पास आए, भले ही ठोक जाए एक खेल, खोद दे अपना नाम मेरे बदन पर, मैं बहुत उदास हूं, बहुत उदास हूं। पीपल का पेड़ कह रहा है, बड़ा रुआसा होकर के देख रहा था छत पे लगी हुई डिस्क को और कान पे लगे हुए मोबाइल को, और मन ही मन बुदबुदा रहा था कि इसी ने छीनी है मेरे खुशियां। अब जब पीपल के पेड़ ने अपनी वेदना व्यक्त की तो जो सुन रहा था, जैसे हमारे ऋषि, आपने देखा कि कई बार जो है हमारे ऋषियों ने पेड़ों के सानिध्य में ईश्वर को प्राप्त किया है, पिपलादि ऋषि का देखिए, गौतम बुद्ध का देखिए, बोधि गया में है, हमारे जबलपुर में मौली वृक्ष है, यहाँ पे आचार्य रजनीश जी का, ऐसे कई ऋषि हैं जिन्होंने उनके सानिध्य बैठ के तपस्या की और जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो जब ये जो संवाद होता है ये भावनाओं का होता है। अब पीपल के पेड़ का यह संवाद सुन करके जो हम सब जैसे लोग बैठते हैं तो मन में उनके जो है पश्चाताप की अंतर्वेदना उभरी, और जब अंतर्वेदना उभरी तो उसके उपकारों का जो स्मरण करते हैं, नेत्र बंद करके उनको सुनिए, बड़े भाव से ये कह रहे हैं कि ए मेरे प्यारे तरु, ए मेरे प्यारे मित्र, जब मैं माँ के गर्भ में आया और 3 माह का हुआ था तब आचार्य जी ने मेरा पुंसवन संस्कार कराया था, तब तूने ही अपनी नन्नी नन्नी कोपलों और जड़ों से औषधि बनाकर माँ के उदर में मुझे आरोग्य प्रदान किया था। ए मेरे सखा, जब मेरा जन्म हुआ तो प्रथम बार तूने ही पलना बनकर मुझे थामा था, गुट्टी बनकर तूने ही मुझे पुष्ट किया था, रोगों के आक्रमण से बचाया था, मैं तेरे उपकार कैसे भूल सकता हूं मेरे भाई। मेरे सखा, मेरे अंदर जब चलने की इच्छा शक्ति जागी तो तूने ही 3 चक्के की गाड़ी बनकर मुझे खिलखिलाने और मुस्कुराने के लिए मेरे प्यारे दोस्त तू मेरे लिए ही खिलौना बना। मैं जब स्कूल पढ़ने गया तो तू ही मेरी स्लेट पट्टी बना, मेरे सुख के लिए कुर्सी टेबल भी बना, मैं तेरे उपकार कैसे कहूं ए प्रिय। जब मेरा विवाह हुआ तो तू ही मेरे मंडप के 4 खंभे और छत्र भी बना, और तेरी ही जलती हुई अग्नि के फेरे लेकर मैंने अपने जीवन साथी का हाथ थामा था, मेरी गृहस्थी का तो सहारा ही तू, सहारा तू बना, मेरे घर का दरवाजा तू, छप्पर तू, खाट तू, साजो सामान भी तू ही। ए मेरे प्यारे, तेरे ही फलों के रसों से मेरा यौवन सदा खिलता रहा, तेरे उपकार अनंत है मित्र, आज भी तू मेरे साथ है, कल भी रहेगा। मैं जानता हूं प्रिय, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा भले ही मेरा सब साथ छोड़ दें, पर तू मेरी झुकी हुई कमर का सहारा बन मुझे मंदिर मंदिर तीर्थ यात्रा कराएगा, पवित्र नदियों में नौका विहार कराएगा, तेरी ही पतवार के मैं पवित्र नदियों की गोद में बैठने और पार लगने का मुझे सुअवसर प्राप्त होगा। ए मेरे देवता,
मेरे तारणहार, जब मैं अशक्त हो जाऊंगा तो तू ही खटिये वन मुझे आश्रय देगा, और जब इस संसार से विदा लूंगा तो मेरे पत्नी बच्चे नाते रिश्तेदार सब मेरा साथ छोड़ देंगे, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, पर तू मेरे से पहले शमशान घाट पहुंच जाएगा और पहले कई मन लकड़ी के रूप में वहां पहुंच जाएगा, सब देखते रहेंगे, पर तू ही मेरे साथ जलेगा मेरे साथी, मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊं, ए मेरे देवता, ए मेरे सखा, ए मेरे पुत्र, ए मेरे मित्र, मुझे क्षमा करना, मेरे दोस्त, आज मैं पुनः मित्र सुदामा की तरह तेरा ऋण चुकाने आया हूं, ऋषि पिपलादी की तरह बुद्ध की तरह सानिध्य पाने के लिए आया हूं, माँ वसुंधरा की गोद में रोपित कर इस धरती को हरियाली चूना पहनाना चाहता हूं, मुझे मेरा सानिध्य स्वीकार करो, मेरा आवाहन स्वीकार करो, मेरा आवाहन लोक मंगल, लोक स्वास्थ्य और ईश्वर का सानिध्य और जीव आश्रय प्राकृतिक सौंदर्य की स्वर्ग अनुभूति के लिए मेरा आह्वान स्वीकार करो मेरे मित्र, इस भाव को आप सदा हम सब बनाए रखें और इसी भाव से हम वृक्षारोपण करें, इसी भाव से हम उनके साथ पुत्रवत और मित्रवत व्यवहार करें, तो आप देखिए देखते देखते ये धरती स्वर्ग के समान, ये हरियाली, ये पर्यावरण फिर से संतुलन हो जाएगा। आइए मुख्य यजमान के हाथों में अक्षत पुष्प दें और रोरी दें ताकि उनका पूजन कर सकें।